मुख्यमंत्री कमलनाथ ने द रॉयल क्यूजिन फूड फेस्टिवल का शुभारंभ किया, जिसमें प्रदेश के 10 राजघरानों के 60 से अधिक शाही व्यंजन परोसे गए। इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने कहा कि अब मध्य प्रदेश का प्रोफाइल बदलने की जरूरत है। रॉयल क्यूजिन्स को भोपाल के बाद दिल्ली और मुंबई भी ले जाएंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दैनिक भास्कर और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिंटो हॉल में 4 दिवसीय द रॉयल क्यूजिन फूड फेस्टिवल आज से शुरू हो गया। गुरुवार को इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। खाना खजाना को लेकर हो रहे इस अनूठे और पहले कार्यक्रम में प्रदेश के 10 राजघरानों के 60 से अधिक शाही व्यंजन परोसे गए हैं। इस दौरान पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है मध्य प्रदेश की पहचान बदलने की। प्रदेश का प्रोफाइल चेंज करना होगा। प्रदेश के रॉयल क्यूजिन्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश की गिनती आज भी देश के पिछड़े राज्यों में होती है। इस प्रोफाइल को बदलना है। राजस्थान ने 10 से 12 महल पर्यटन के लिए दे दिए हैं और वह राज विलास बन गए। कुछ विलास बन गए। राजस्थान 30 साल पहले तक टूरिज्म सर्किट में नहीं था, वह टूरिज्म ट्रायंगल में आ गया। मध्य प्रदेश ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? देश में जब तक पहचान नहीं बनेगी तब तक ना तो यहाँ कोई निवेश आएगा और ना ही टूरिज्म आएगा। हमारे टूरिज्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुष्पराज सिंह जी, जो खुद फूड के कॉनेसियर हैं, मैं ने इनका खाना खाया हुआ है, तो मैं इसके लिए गवाह हूँ कि ये खुद ही फूड के कॉनेसेर हैं। और हरपाल सिंह सोखी जी, सभी यहाँ राजघराने के सदस्यगण, बहुत बहुत खुशी हुई यहाँ आकर जब मुझे कहा गया कि रॉयल क्यूजिन्स का कार्यक्रम है। मुझे कुछ समझने में समय लगा कि ये रॉयल क्यूजिन्स का किस प्रकार का कार्यक्रम है। तब जब मुझे समझाया गया, मैंने केवल इसका महत्व पर केवल इसकी नेसेसिटी ही नहीं सोची, पर यह सोचा कि यह अपने मध्य प्रदेश की एक पहचान है और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है पूरे प्रदेश में कि हम मध्य प्रदेश की पहचान बनाएं, मध्य प्रदेश का प्रोफाइल हम चेंज करें, मध्य प्रदेश की गिनती उन पिछड़े राज्यों में गिनी जाती है। मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, और ये प्रोफाइल हमें चेंज करना है। राजस्थान ने 10-12 महल को टूरिज्म सेक्टर को दे दिए और वो राज विलास बन गए, कई कई विलास बन गए। और राजस्थान जो टूरिज्म सर्किट में नहीं था पिछले 30 साल पहले, अब वो टूरिज्म ट्रायंगल में आ गया। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मध्य प्रदेश की पहचान जब तक हम नहीं बनाए देश में, हमारे यहाँ कोई निवेश आएगा, हमारे यहाँ कोई टूरिज्म आएगा। कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि रॉयल क्यूजिन्स सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहे। ये रॉयल क्यूजिन्स देश के बड़े बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और अमृतसर तक जाएं, जहाँ पर खाने के बहुत शौकीन लोग हैं। इससे आर्थिक गतिविधि और रोजगार बढ़ेगा। हमारा फूड है, हमारी कुजीन है, और ये आवश्यक है कि पूरे देश भर में लोग इसे जाने और पहचाने। तो इसीलिए ये फूड फेस्टिवल किया गया है, और हमारा प्रयास रहेगा कि ये मध्य प्रदेश के रॉयल कुजीन फूड फेस्टिवल जो हमने किया है,
हम देश के बड़े बड़े शहरों में भी करें ताकि लोगों को मध्य प्रदेश की सही पहचान बने। बिल्कुल, जो लोग इससे जुड़ेंगे, जो यहाँ आएंगे, आर्थिक गतिविधि बनेगी और इस आर्थिक गतिविधि से रोजगार के नए मौके बनेंगे, हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा। अभी हम सीमित हैं मध्य प्रदेश के जो राजघराने हैं उनकी कुजीन पर, और इसको अब हम प्राथमिकता देंगे। अभी मैंने चर्चा करी है कि हम इसकी एक अलग मीटिंग करेंगे कि अगले एक साल का इसका कैसा कार्यक्रम बनाया जाए। इस अनूठे फूड फेस्ट में प्रदेश के 10 राजघरानों भोपाल, सैलाना, रीवा, नरसिंहगढ़, झाबुआ, कुरवई, होलकर, जौरा और गढ़ा जैसे राजघरानों के प्रतिनिधि सहित राजघरानों में इन व्यंजनों को तैयार करने वाले शेफ्स, कुक्स और खान सामों के दल शामिल हैं। ये उनके लिए बेहद खास होगा जो हमेशा से शाही संस्कृति और व्यंजनों का अनुभव करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।